छोड़ो अमर भाई, ये कौन सी मुश्किल है? हालात साहब के कैसे नहीं होते? आप मुझे ही देख लो, मेरे वाला साहब भी नहीं है, मैं अपने घर में बड़ा हूँ। कॉलेज जॉब करता हूँ, अपने अपने घर वालों के अखराजात पूरे करता हूँ। आप और लगन से काम करो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब कर देंगे। भाई अमर, नमाज का वक्त गुजर रहा है, आओ नमाज के लिए चलते। आप चले, मैं अभी किसी का इंतजार कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ यार अमित, तुम कहाँ रह गए थे? हाँ यार, मैं रस्ते में लेट हो गया। तुझे पता मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था? यार मैं रस्ते में जा रहा था, मुझे गाड़ी मिली, उसमें बहुत ही कमाल की लड़की बैठी थी, बस मैं उसे उसके पीछे चलता गया। यार तेरे तो मजे हैं, तू सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। यार अगर तुम चाहो तो तुम भी ये सब कुछ कर सकते हो। वो कैसे? मैं तुम्हें पूरी, वो तुमने मेरे ही दोस्त पर करानी है, वो तुम्हें कुछ पैसे देगा, उन पैसों से तुम जो चाहे वो करना। अच्छा, इतना आसान काम है अमीर होना? हाँ यार बहुत ही आसान काम है, लोग तो ऐसे ही इतनी मेहनत करते हैं, ये तो बहुत ही आसान काम है। अगर तुम चाहो तुम भी खा सकते, इससे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। इन्ने मुंडे गए बशीर हुआ, तुम बीमार लग रहे हो। आज तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चलो आ जाओ आ जाओ। डॉक्टर साहब है ये तो आमिर लगता है। जी डॉक्टर साहब, ये बेटा आमिर जी, आप तो बता रहा है, इसे बचा लीजिए। आमिर बैठ जाओ इधर, ये तुमने क्या किया, क्या हो गया है तुम्हें? डॉक्टर साहब ये नशे में लग गया है, इसको मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये था कि इसे मेरी एक ना सुनी। अब ये वक्त है, ये बोलना चाहता है लेकिन इसे बोला नहीं जाता। मोबाइल इंटरनेट गेम वगैरह ने इसे खराब बर्बाद कर दिया है। डॉक्टर साहब खुदा रहा इसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब अंकल आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आमिर मेरा भाई है, मैं इसका मुकम्मल तरीके से इलाज करूँगा और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा। असल में हमसे गलती तब हो जाती है, हम अपने बच्चों की गलत हरकतों पर तवज्जा नहीं देते और उन्हें बाज नहीं करते और बाद में वो एक बुरा हादसा बन जाती है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अभी भी हमारे पास वक्त है, मैं इसका इलाज करूंगा, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जल्द से जल्द टेस्ट करके लाओ उसका, मेरे टीका लाओ कोई।